हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम फिर से अपने हाइपर ओएस 2 डिवाइस को कस्टमाइज करने वाले हैं लाइका प्रो। तो अगर आप भी अपने करंट कस्टमाइजेशन से बोर हो चुके हैं तो इस कस्टमाइजेशन को जरूर ट्राई करें। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, बात करें आज के इस कस्टमाइजेशन की, तो चलिए सबसे पहले अपने होम स्क्रीन को ही कस्टमाइज करते हैं, जिसमें मैं थर्ड होम स्क्रीन का यूज करूंगा, ताकि मुझे फिर से कस्टमाइज करनी ना पड़े। अब सबसे पहले होम स्क्रीन विजिट को अप्लाई करते हैं, और इसके लिए हमें जाना है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे, फिर विजिट्स, फिर एंड्रॉइड विजिट्स, और इस क्लॉक विजिट में से हम इस लास्ट विजिट को सेलेक्ट करेंगे, जिसे के अपनी फर्स्ट विजिट अप्लाई हो जाएगी। वही नेक्स्ट विजिट्स हैं नोट्स और वेदर, तो चलिए इन्हें भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप के विजिट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब बारी है होम स्क्रीन एप्स की, तो चलिए इन्हें भी यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट विजिट है सर्च बार, और इसे अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा अपने होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे, फिर विजिट्स, फिर एंड्रॉइड विजिट्स, फिर नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे एक 3x1 का ब्लैंक KWGT विजिट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पे टैप करेंगे तो यह हमें KWGT पे ले जाएगा, जहाँ पे टॉप पे यह सर्च बार पे टैप करके यहाँ पे सर्च करेंगे ZS, और फिर नीचे की ओर आएंगे और इस विजिट ZS52 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो नीचे ये ओवरऑल ग्रुप है, इस पे टैप करेंगे, फिर ओवरऑल ग्रुप्स, फिर सेव। उसके बाद ये जो विड्थ है, इसे टैप करके इसे 522 पे सेट करेंगे, वहीं हाइट को 125 पे सेट करेंगे। उसके बाद बैक, फिर स्टैक ग्रुप, फिर ओवरऑल ग्रुप। उसके बाद फर्स्ट सेप पे टैप करके इसमें भी विड्थ को 522 और हाइट को 120 पे सेट करेंगे। फिर सेकंड सेप पे भी टैप करके सेम डाटा को इनपुट करेंगे। उसके बाद फोर्थ सेप पे टैप करेंगे और फिर इसमें विड्थ को 120 पे सेट करेंगे। लास्ट है ये सर्च आइकन, तो उसके लिए इस फंड आइकन पे टैप करेंगे और साइज को 40 पे सेट करेंगे। उसके बाद ये पोजीशन पे टैप करके इसे 34 पे सेट करेंगे। उसके बाद फाइनली इसे सेव कर देंगे, जिसे के हमारी सर्च विजिट के साथ होम स्क्रीन भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है इस कस्टमाइजेशन के आइकन्स, जो कि हमें कुछ इस डिजाइन में देखने को मिलेंगे, और इसे अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा अपने थीम स्टोर में, फिर माय अकाउंट, फिर थीम्स। उसके बाद इस थीम AY40 को सेलेक्ट करेंगे और फिर कस्टमाइज पे टैप करके इसे आइकन पे चेक कर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अपने आइकन्स अप्लाई हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, आइकन से याद आया कि अगर आप न्यू एनिमेटेड आइकन्स ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में टॉप 3 एनिमेटेड आइकन्स थीम्स की वीडियो मिलेगी, उसे ज़रूर चेकआउट करें। अब आते हैं नोटिफिकेशन टॉगल के तरफ, जो कि हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, और इसे अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा अपने फ़ोन के थीम स्टोर में, फिर ये थीम पर्पल जी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कस्टमाइज पे टैप करके इसे सिस्टम पे चेक कर अप्लाई कर देंगे, जिसे के कंट्रोल सेंटर के साथ अपनी होम स्क्रीन भी अप्लाई हो जाएगी। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट है लॉक स्क्रीन, तो उसके लिए हमें जाना होगा लॉक स्क्रीन पे, फिर कस्टमाइज लॉक स्क्रीन, फिर पीपल लेआउट में से इस लेआउट को सेलेक्ट करेंगे, और फिर वॉलपेपर को अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारी आज की ये कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपको वॉलपेपर्स टेलीग्राम में और थीम्स की लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगे।
तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कस्टमाइजेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।